हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। तो फटाफट से मैं बात करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो आपके आने वाले केपीवाई एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। आइए फटाफट से कार्यक्रम के मैं उड़ता हूँ और मैं आपको चार ब्लॉक्स को फटाफट रिवाइज करवाने आया हूँ। ग्रुप 15 to 18, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड नोबल गैसेज। फटाफट से जो जो पॉइंट्स बताना चाहूंगा सिर्फ आप उसको लिखते जाना है। द वेरी फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ऑर्डर कुछ ऐसा निकल कर आएगा BiH3। जो भी एक्सेप्शन है वो सारे यहाँ कवर करवाने की कोशिश करूंगा। NH3 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में ऑब्जर्व हो रहा होता है। हालांकि ये फैक्ट अपने को पता है कि साइज इंक्रीज करने से या मास इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इस हिसाब से अमोनिया सबसे लास्ट में आना चाहिए था। बट द थिंग इज कि यहाँ पर अमोनिया बीच में आता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी सी बात अपने दिमाग में रखेंगे। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो सारी चीज मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अब लगे हाथ, यदि ये सेम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यदि मैं ग्रुप 16 वालों के लिए लिखूं, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा यहाँ पर, देन H2T, दैट इज थैलियम का हाइड्राइड, तो टेल्यूरियम का हाइड्राइड, देन सेलिनियम का हाइड्राइड एंड देन सल्फर, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। That would be the order of the boiling point of the group 15 and group 16. ये दोनों ही चीजें अपने को दिमाग में रखनी है। Next, inert pair effect. काफी बार सवाल आता है inert pair effect से। क्या क्या चीजें दिमाग में रखेंगे यार? कि top to bottom जाने पर group 15 की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले group 15. ग्रुप 15 में प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, यानी बिस्मत प्लस 3 वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बिस्मत प्लस 5। सेम कार्यक्रम ग्रुप 14 में भी ऑब्जर्व होता है। दो दो का डिफरेंस रहेगा। ग्रुप 14 में टॉप टू बॉटम जाने पे प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू प्लस 4। सेम कार्यक्रम ग्रुप 16 के, ग्रुप 13 के अंदर भी, यानी थेलियम प्लस 1 वाला ज्यादा स्टेबल है थेलियम प्लस 3 से। यार हमको पता है कि ग्रुप 13 है तो प्लस 3 वाला ज्यादा रहेगा, बट नहीं, टॉप टू बॉटम जाने पे प्लस 1 वाला ज्यादा, ग्रुप 14 में प्लस 2 वाला ज्यादा, ग्रुप 15 में प्लस 3 वाला ज्यादा। कितनी सी बात हम दिमाग में रखेंगे। सर क्या ग्रुप 16 के साथ भी कार्यक्रम? हाँ बिल्कुल, ग्रुप 16 में भी प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी टॉप टू बॉटम जाने पर प्लस 6 से। कितनी सी बात हम दिमाग में रख पाएंगे, बोलो हाँ या ना? जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वो सारी बताने की कोशिश करूंगा। एक सवाल ऐसा आता है कि यार प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेरियम अजाइड एंड सोडियम अजाइड NaN3। दिस इज सोडियम अजाइड, इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी इवन है। प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए अपन बेरियम अजाइड की बात करेंगे या फिर सोडियम अजाइड की बात कर रहे होंगे। कितनी सी बात अपने को क्लियर, बोलो हाँ या ना? चीजों को और आगे बढ़ाता हूँ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कुछ रिएक्शंस को दिमाग में रखना यार, अक्सर बताता हूँ फिर बता देता हूँ। NH4NO2 हीट करने पे क्या मिलेगा? NH4NO3 सोडियम नाइट्रेट क्या मिलेगा? NH4Hol2Cr2O7 को हीट करने पर क्या मिलेगा और NH4Cl को डिकम्पोज करने पर क्या मिलेगा? ध्यान से सुनना, डायरेक्ट ट्रिक है कि NH4NO2 को हीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वाटर का रिमूवल करेंगे। आप यहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर का रिमूवल कर दीजिए। सर चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन मिलकर 2H2O रिमूव कर दिया। देखो चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन चले गए, बच क्या गया? N2। इसी तरह सर चार हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन मिलकर तो 2H2O रिमूव होंगे, मैक्सिमम पानी निकाल दीजिए, बच क्या जाएगा सर? N2O। यहां पर आठ हाइड्रोजन है सात ऑक्सीजन है, तो क्या मैं 4H2 रिमूव करवा दूं? चार ऑक्सीजन चली गई, Cr2 के साथ एक कंपाउंड बना लेगा प्लस N2 गैस बाहर। ये सारे प्रोडक्ट्स याद रखने, इट इज ग्रीन सॉलिड। और लास्ट वाली रिएक्शन में क्या होगा? अमोनिया प्लस HCl। लास्ट वाली रिएक्शन वुड बी अमोनिया प्लस HCl। इतनी सी बात फटाफट से याद रख लेना यार। एक और इंपॉर्टेंट चीज कोई पूछ ले, व्हाट इज नाइट्रोलिम? नाइट्रोलिम इज नथिंग बट CaCN2 प्लस कार्बन इज नथिंग बट नाइट्रोलिम। क्या है भैया ये? नाइट्रोलिम है। चीजों को और इम्पोर्टेंट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से।
अमोनिया की रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाऊंगा और एक बार और अमोनिया की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाऊंगा। कर क्या रहा हूं, एक बार अमोनिया को एक्सेस में ले लेता हूं, एक बार क्लोरीन को एक्सेस में ले लेता हूं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे दिमाग में रखना यार। जब क्लोरीन एक्सेस में रहेगा तो NCl3 plus HCl बनेगा, जब अमोनिया एक्सेस में रहेगा तो N2 plus NH4Cl बनेगा। ये दोनों रिएक्शन अपने को दिमाग में रखने की है। बोलो क्या इतनी सी बात अपन दिमाग में रख पाएंगे। चीजों के रिगार्डिंग और थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यार NO इज न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या है NO इज न्यूट्रल ऑक्साइड। नाइट्रोजन के दो ही ऑक्साइड्स न्यूट्रल होंगे, NO और N2O। दिस इज नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड है, दोनों के दोनों क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, बाकी कोई न्यूट्रल ऑक्साइड यहाँ पर नहीं है। क्या अपनों को ये बातें क्लियर है, बोलो हाँ ना। चीजों को और आगे बढ़ाता हूँ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यदि मैं बात करना चाहूँ, उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ बट अपने को समझ में आ रहा होगा यार, क्योंकि समय कम है। एक स्ट्रक्चर ये वाला यार दिमाग में रखना यार, यहाँ पे ट्राइमर वाले स्ट्रक्चर की बात होती है। H3O9 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखना, साइक्लिक ट्राइमर बनाता है ये, साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O9। कई बार वो पूछ ले तो, क्योंकि पूछने वाला तो यार बेशरम है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए अपनों को दिमाग में रखनी है। कुछ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, एकदम एकदम कान लगा के सुनेंगे। जिंक और आयरन के साथ, जिंक और आयरन के साथ मैं जो रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं, कौन कौन सी रिएक्शन, एक बार डाइल्यूट HNO3, एक बार डाइल्यूट HNO3, HNO3 और एक बार कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे यार याद रखना, नो डाउट। एक बार सबसे पहले आपको जिंक के साथ बताता हूँ, डायरेक्टली सेम रिएक्शन आयरन के साथ हो रही होगी, आप तो जिंक का नाइट्रेट बनाएंगे, प्लस प्लस जो गैस आप लिबरेट करवाएंगे वो N2O, और कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर, और कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर आप NO2 गैस लिबरेट करवाए होंगे। मेक श्योर दैट ये रिएक्शन आ चुकी है जेई मेन में भी, जिंक और आयरन के साथ डाइल्यूट HNO3 में N2O निकलती है और कॉन्सेंट्रेटेड में NO2। वो अक्सर कॉपर, मरकरी और सिल्वर के साथ भी ये रिएक्शन पूछ रहे होते हैं। क्या बात याद रखनी है, डाइल्यूट के साथ NO गैस एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 गैस, कितनी सी बात याद रखेंगे आप। वो अक्सर इन्हीं दो कंपाउंड्स को घुमा घुमा कर बेवकूफों की तरह बार बार पूछ रहे होते हैं, तो हम भी अब बेशरम हो चुके हैं, हम भी इन चीजों को याद रख लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। बोलो अपनों को ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, वो परोक्सी वाले कंपाउंड पूछते हैं सल्फर से, दैट इज H2S2O8, दिस इज परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स ए परऑक्सी बॉन्ड, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है देखना यार, दिस वुड बी द स्ट्रक्चर, ये परऑक्सी बॉन्ड है। कितने परऑक्सी बॉन्ड है, एक है परऑक्सी बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली लिंकेज की वो अक्सर बात करते हैं, कि अपनों को ये बातें क्लियर हो गई, बोलो हाँ ना। आई होप कुछ ना कुछ नई नई चीजें तो यार सीखने को जरूर जरूर मिल रही होंगी यार। अब मैं आपको थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। अब आइए ग्रुप 17 और 18 की थोड़ी देर और बातें कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, देखो यार गारंटी है। ग्रुप 18, ग्रुप 17 और 18 में सारी एक्सेप्शंस कवर करने जा रहा हूं, देखना। द वेरी फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर अपनों के पास आएगा Cl2, Br2, F2 एंड I2। I2 में तो जाहिर सी बात है टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो साइज इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, है ना। नाउ कलर्स, F2 is pale green yellow gas, it's pale green yellow gas. Cl2 is greenish yellow gas,
इट्स ग्रीनिश येलो गैस, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाऊँ। रेडिश ब्राउन लिक्विड, रेडिश ब्राउन लिक्विड, एंड आई टू डार्क वॉयलेट सॉलिड, इट इज डार्क वॉयलेट सॉलिड, यानी ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, और ये दोनों क्या है, गैसेज है। बोलोगे इतनी सी बात अपन दिमाग में रखेंगे, हाँ है ना। चीजों को और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में फटाफट से बात करते जाते हैं। आइए ना, अमोनिया वाली रिएक्शन जो वहां पे बताई थी क्लोरीन के साथ और उनके साथ, दिमाग पे रही होगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, F2 की रिएक्शन NaOH के साथ, F2 की ही रिएक्शन NaOH के साथ। सर क्या करने जा रहे हो देखना, एक बार डाइल्यूट कंडीशन है और एक बार NaOH कॉन्सेंट्रेटेड वाला लिया, प्रोडक्ट क्या बनते याद रखना, OF2 plus NaF plus H2S, यहाँ पर O2 plus NaF plus H2O, यानी डाइल्यूट में OF2 बनता है, कॉन्सेंट्रेट में O2 गैस लिबरेट होती है। सर क्या हमें रटना है, हाँ बिल्कुल रटना है यार, क्योंकि समय कम है, इतनी सारी चीजें जो बता रहा हूँ यही है, तो दिमाग में रखते चले जाओ भैया, याद रखेंगे। नाउ यदि मैं Cl2 के साथ सेम रिएक्शन को प्रोसीड करूँ NaOH, एक बार यहाँ पर हॉट एंड यहाँ पर येलो कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन, और एक बार NaOH के साथ मैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस की बात करने जा रहा हूँ, व्हाट आर द प्रोडक्ट। यहाँ पर कोल्ड एंड डाइल्यूट में NaCl प्लस NaOCl प्रोडक्ट बनता है प्लस H2O, यहाँ पर NaCl प्लस NaClO3 वुड बी द प्रोडक्ट प्लस H2O। कोल्ड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में NaClO3, कोल्ड एंड डाइल्यूट में NaOCl। नोट, सेम रिएक्शन ऑल्सो गिवन बाय Br2 एंड I2, ब्रोमीन और आयोडीन भी सेम रिएक्शन यहां पर दे रहे होते हैं। बोलोगे ये बात याद रखेंगे, आया ना। चीजों को और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में रखना है यार, कि लेट से HClO4, HClO3, HClO2, HClO, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑलवेज रिमेंबर, एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। जैसे जैसे ऑक्सी एसिड्स के केस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, याद रखेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी बात कर देता हूँ यार, ग्रुप 15 से ही है, H3PO4, H3PO3, H3PO2, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट से जाएं, तो इट इज प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, ऑर्डर लेफ्ट टू राइट आना चाहिए बट ऑर्डर आता है, सॉरी ऑर्डर राइट टू लेफ्ट आता है बट ऑर्डर वुड बी उल्टा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो यहां फंसती है, जहां ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से आंसर नहीं दे पा रहे होते, अदरवाइज हर जगह अपन आंसर दे पा रहे होंगे। बोलोगे इतनी सारी बातें अपने को दिमाग में फिट हो गई है। देखो आपको मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा बट इतना सब कुछ बता दूंगा कि यार जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा चीजें बता दी तो क्या पता आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इतनी सारी चीजें तो करके चले जाओ कि यार काम बन जाए। नाउ ग्रुप 18 पे कूद पड़ते हैं फटाफट। ग्रुप 18 में XCF2 स्ट्रक्चर याद रखना, लीनियर शेप, फ्लोरीन, तीन लोन पेयर, यानी XCF2 में 3 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे। XCF4 स्क्वेयर प्लैनर विद टू लोन पेयर, XCF4 में स्क्वेयर प्लेनर है, टू लोन पेयर है। व्हाट अबाउट XCF6? XCF6 में एक लोन पेयर, यहां दो लोन पेयर, जेई मेंस में आ चुका है सवाल, एक लोन पेयर रहेगा, 6 फ्लोरीन अटैच रहेंगे तीनों का। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्लियर अपनों को ये वाली बातें। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस निकल कर आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरे ग्रुप 18 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, XCF2 प्लस वाटर, XCF4 प्लस वाटर, XCF6 प्लस वाटर, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर, फटाफट से दिमाग में घुसा लेना यार, जिनन प्लस HF प्लस वाटर, जिनन प्लस HF प्लस O2 कर लो, O2। नेक्स्ट रिएक्शन फटाफट से दिमाग के अंदर, जिनन प्लस XCO3 प्लस HF प्लस O2, एंड द लास्ट एंड द फाइनल वन, इसे लिख देते हैं XCO3 प्लस HF, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस,
कंप्लीट रिएक्शन होगी तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। तीनों रिएक्शंस अपने कब्जे में कर लो भैया फटाफट, काम की बात देखना। HCF6 प्लस वाटर डाला तो पहले प्रोडक्ट बनता है HCOF4, फिर और वाटर डाला तो प्रोडक्ट बनता है HCO2F2, फिर और वाटर डाला तो प्रोडक्ट बनता है HCO3। यानी HCF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर HCO3 बनता है, बट पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं HCOF4 एंड HCO6। बोलोगे ये सारी बातें अपन याद रखेंगे, आया ना? तो आई होप जितनी चीजें आपको बताई गई हैं फटाफट कंसाइज वे में एकदम मजेदार तरीके से आपको आनंद जरूर आया होगा। भी अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को अपने एग्जाम के लिए, रिस्पेक्टिव एग्जाम से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है, और कहीं ना कहीं आप बढ़िया लेवल पे परफॉर्म करके जाएंगे। आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मेरी तरफ से मैंने फिजिकल वाली वीडियो भी बनाई और ऑर्गेनिक वाली भी, इनऑर्गेनिक वाली भी, तीनों की तीनों वीडियो मेरी प्रोफाइल पे अपलोडेड है, दैट इज ऑन अनिरुद्ध वालिया यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल पे सब अपलोडेड है। जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक फिजिकल की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए आनंद तरीके से, आपको आनंद बहुत आएगा। क्लियर है सबको? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, बेस्ट ऑफ लक गाइस, केपीवाई फोड़ कर आना, आग लगा देना, मिलते हैं अपने जेईई मेन वाले क्रैश कोर्स के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।